नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और आपका स्वागत करती हूं सत्ता संग्राम में राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जारी है। दो चरणों के मतदान हो चुके हैं और तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को होना है। कुल मिलाकर पूरे देश में जो प्रचार प्रसार है बड़ी जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच कई अनर्गल जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं। अनिल जी, सबसे पहले हम जो सत्ता संग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपसे यही बात करना चाहती हूँ, क्या राजनीतिक स्तर और कितना गिरेगा? सबसे दुखद बयान तो साध्वी प्रज्ञा का है, जो भोपाल से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, और उनको इसलिए तकलीफ है कि हिंदू आतंकवाद की प्रतीक मानकर उनको जेल में रखा गया था तो मालेगांव वाले मामले में। लेकिन उन्होंने शहीद हेमंत करकरे को लेकर जो बात कही है वो दुखद भी है, और वो हालांकि बात उन्होंने वापस ले ली, पर आंख से गिरा हुआ आंसू और मुंह से बोला हुआ शब्द वापस नहीं होते कभी जी। कहने के लिए वापस हो जाए, वापस नहीं होते। वो कागज़ पर आ गए, टीवी चैनल पर चल गए, अब वापस लेना क्या होता है? उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे को मेरा श्राप लगा है जी। मुझे बहुत परेशान किया था उसने, मेरा श्राप लगा, आतंकवादियों ने उसकी उसको मार डाला, बर्बाद कर दिया, सर्वनाश कर दिया, मैंने कहा था तेरा सर्वनाश होगा। इस दर्जे की बात करने वाली प्रत्याशी, और वो भी साध्वी कहला रही हैं प्रज्ञा, और एक देश के शहीद के बारे में जिसे बाद में मुंबई हमले के दौरान आतंकवादियों ने मार डाला, जो ATS प्रमुख था और जो खुद मौके पर गया और जिसे गोली खाई, उसके परिवार पर क्या बीतेगी? परिवार पर ही नहीं, पूरे देश के लोगों की जो देश प्रेम करते हैं, हमारी रक्षा में लगे हुए इतने लोग हैं, चाहे वो पुलिस सेवा में हो चाहे सैनिक हो, उनका मनोबल इससे कितना नहीं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए दुखद है वो ये है कि देशभक्ति का नारा देकर जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, साध्वी प्रज्ञा ने वापस इसलिए लिया कि उन्होंने कोई गलती कर दी, उन्होंने कहा कि इससे देश के दुश्मनों को फायदा हो रहा है जी, इसलिए मैं वापस ले रही हूँ, मैंने मुझे पता लगा। तो ये मतलब उनकी मन की बात खत्म नहीं हुई, मन का मैल खत्म नहीं हुआ जी, और वो पार्टी उनको डिफेंड कर रही है, तो उनके निजी विचार हैं, ये तो ऐसा है वो वैसा है, ठीक है राजनीति है, अब वो उनकी पार्टी जाने। नहीं, भाजपा ने अपने को इससे दूर किया है उनके इस बयान से। जो उनका बयान आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि हम शहीद हेमंत करकरे की शहादत को नमन करते हैं, लेकिन हो सकता है साध्वी प्रज्ञा ने कुछ शारीरिक और मानसिक ऐसा कुछ प्रताड़ना झेली हो, उस आवेश में उन्होंने ये बात कही है, लेकिन हम इसे अपने आप दूर करते हैं। तो आपने डिफेंड भी कर लिया ना एक तरह से उनको जी, डिफेंड भी कर लिया और दूर भी कर लिया, तो ऐसा नहीं चलता। इतना पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये क्या बात हुई? तो वो मुझे तो अब वो स्टैंड है भाजपा का, उनकी कैंडिडेट है दिग्विजय सिंह के सामने भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में, इसलिए शायद प्रत्याशी बनी रहेंगी वो भाजपा की। लेकिन देश को अच्छा नहीं लगा उस पार्टी के प्रत्याशी के मुँह से जिस पार्टी को देशभक्ति के प्रतीक के रूप में हम स्थापित कर रहे हैं, जिस पार्टी को देशभक्ति का प्रतीक बना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम ही देशभक्त हैं, बाकी देशभक्त नहीं है, और फिर हमारा प्रत्याशी अगर ऐसी बात कहे किसी शहीद के लिए तो वो दुखद है निश्चित तौर पर जी। और अनिल जी, सभी राजनीतिक दल बड़ी जोर शोर से बात करते हैं महिलाओं को सम्मान देने की, सब कुछ, लेकिन आजम खान ने जो जयप्रदा को लेकर जो टिप्पणी की उसके लिए आजम खान भी हो और कई लोगों ने जो बली अली क्या क्या पता नहीं कह दिया, और वो हिमाचल के बीजेपी के अध्यक्ष ने कुछ कह दिया, उनको पाबंदी लग गई, इस पे पाबंदी लग रही है, उस पे पाबंदी लग रही है, चुनाव प्रचार पे जी। ये कोई संयम नाम की, मर्यादा नाम की चीज रह नहीं गई है, ऐसा लगने लगा लोगों को जी। इतना निचला स्तर राजनीति का पहुंच जाएगा इसकी कल्पना लोग करते नहीं थे, और कौन इसके लिए जिम्मेदार है इस पे मैं नहीं जाना चाहता, पर फिलहाल राजनेताओं को संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, एक सार्वजनिक जीवन की एक मर्यादा है उसको ना लांघें। और वोट तो आज पड़ रहा है, 5 साल फिर आपको एक ही संसद में बैठना है या आपको राजनीति में एक साथ काम करना है, पार्टियां आमने सामने हों तो भी क्या पता कब कांटा कांटे से मदद मांगने आ जाए, कौन कब किस पाले में चला जाए कुछ पता नहीं चलता, चुनाव का वैसी माहौल होता है। एक शेर था, दुश्मनी जम के करो पर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी एक जगह हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े जी। जी जी अनिल जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो भी इस समय देश में चर्चा का विषय है, चाहे एक ही मंच पर कई साल बाद मायावती और मुलायम सिंह यादव का एक साथ आना हो, 24 साल बाद या शत्रुघ्न सिन्हा का कांग्रेस के प्रत्याशी होते हुए अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के प्रचार में जाना। देखिए वो तो पति धर्म पत्नी धर्म का मामला है जी,
अब वो तो लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पे चुनाव बिहार में जी, पत्नी लड़ रही है समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लखनऊ से, तो अब वो तो ये कह रहे हैं कि मैं पत्नी के साथ आया हूँ पर वहां कांग्रेस का प्रत्याशी मौजूद है उसी सीट पर जी। वो कह रहा है मेरा प्रचार करो आप तो कांग्रेस के हो, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये एक विचित्र परिस्थिति हो गई। दूसरी बात अभी देखने वाली ये है, एक समय शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन गहरे दोस्त थे, राजनीति ने इन दोनों को अलग किया। अमिताभ बच्चन कांग्रेस में चले गए सांसद बने, शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में चले गए सांसद बने। अब दोनों की पत्नियां एक ही पार्टी में जी, अमिताभ बच्चन की पत्नी जया भादुड़ी जो अब जया बच्चन है जी, वो समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य है, और शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी से लखनऊ से चुनाव लड़ रही हैं जी। तो क्या पति अलग हुए राजनीति के कारण पत्नियां मिला देंगी राजनीति के कारण उनको जी। ये प्रश्न वहां की राजनीति में यक्ष प्रश्न की तरह पूछा जा रहा है कि क्या जया बच्चन पूनम सिन्हा जो पहले भी उनकी मित्र रह चुकी हैं और दोनों के पति मित्र रह चुके हैं अच्छे, क्या एक पार्टी में होने की वजह से जया बच्चन अब चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी क्योंकि वो सांसद हैं समाजवादी पार्टी की इस वक्त राज्यसभा में, और लोकसभा के सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रही हैं पूनम सिन्हा लखनऊ से समाजवादी पार्टी से, तो एक पार्टी कारण क्या दोनों एक दूसरे के साथ होंगी वापस, और इनकी वजह से क्या इन दोनों के पति भी वापस उसी तरह पहले की तरह दोस्त बन पाएंगे, राजनीति ने बिछड़ा था दोनों को, राजनीति वापस क्या एक कर सकती है, ये प्रश्न भी यूपी की राजनीति पूछा जा रहा है। और राजनीति किस तरह, वो मैंने जो भी दुश्मनी वाला कहा था कि देखिए कितनी बड़ी दुश्मनी हुई थी गेस्ट हाउस कांड में, मायावती पर तो हमला हुआ था और मायावती को था कि मेरे को जान से मारने आए गुंडे, और समाजवादी पार्टी पर उस पर आरोप जड़ा गया था। आज वही मुलायम सिंह के लिए वोट मांगने मायावती मैनपुरी गई है, और मुलायम सिंह ने कहा मेरा आखिरी चुनाव मुझे जिता दो बहन जी, और मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह जी ने सारी जातियों को एक साथ लेके चले हैं इनको जिता दो। तो वो दो ध्रुव एक साथ मिल गए यूपी की राजनीति के, पहले बेटे ने मिलाया बुआ जी कहके, और अब वो दोनों पापा को और बुआ जी को जी, दोनों को मिला दिया। तो ये बड़ी घटना है यूपी की राजनीति की दोनों, और आने वाले समय इस पर नजर रहेगी कि मायावती मुलायम के एक साथ होने का क्या परिणाम होता है प्रत्यक्ष से एक साथ एक मंच पर आने का, और क्या जया बच्चन पूनम सिन्हा का प्रचार करने जाती हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा भी क्या पति धर्म निभाने के लिए अपना चुनाव प्रचार छोड़ के पत्नी के चुनाव प्रचार में आते हैं जी।